ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो एक गवर्नमेंट पीएसयू है, रेवेन्यू आता है इनका फ्रॉम रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड आल्सो प्रोडक्शन ऑफ एंड सेल्स ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट। और इन लोग मेनली बनाते हैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स जैसे अजित, मारू, किरण, ये सब नाम तो हम लोगों ने सुना है। और दे ऑल्सो हैव अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर MiG-21, MiG-27 डोर्नियर एयरक्राफ्ट। और FY21 का जो टर्नओवर उन्होंने अनाउंस किया, दैट्स अ रिकॉर्ड टर्नओवर टिल डेट, 22,700 क्रोर्स का टर्नओवर किया है फॉर मार्च 21। और इनका जो कैश बैलेंस है वो भी पॉजिटिव हो चुका है, 6,700 क्रोर्स ऑफ कैश बैलेंस अगेंस्ट बोरोइंग्स ऑफ नियरली 5,800 क्रोर्स लास्ट ईयर। तो काफी अच्छा कैश फ्लो हुआ है। इवन द लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। उन्होंने रिसेंटली तेजस एयरक्राफ्ट डेवलप किया था एंड दे हैव गॉट अ वेरी गुड ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर आया है करीब 34,000 क्रोर्स वर्थ, विच वी हैव टू डू इट ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years। और इसके लिए इनको एडवांस भी मिला था 5,400 क्रोर्स का, बिकॉज ऑफ विच द कैश फ्लो इज मच मच बेटर देन अर्लियर। और तेजस एयरक्राफ्ट इन लोग प्लान कर रहे हैं कि नॉट ओनली टू इंडिया बट दे विल ऑल्सो सेल टू अदर कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज वेल एज यूएस। यूएस ने भी इनका जो एयरक्राफ्ट है वो शॉर्टलिस्ट किया है, अभी तक ऑर्डर नहीं आया। आई थिंक दैट विल बी अनदर ट्रिगर। जो दूसरा मेजर अपॉर्चुनिटी है, हम लोग का जो उड़ान स्कीम है इंडिया में, अबाउट 128 रूट्स है, नियरली 70 स्मॉलर लाइक एयरपोर्ट कनेक्टेड है। और इस रूट्स में दे रिक्वायर ओनली स्मॉलर एयरक्राफ्ट, और इसमें आता है HAL का डोर्नियर एयरक्राफ्ट विच इज बेस्ट सूटेड फॉर दीज रूट्स। ये शायद और एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है व्हेन द ऑर्डर्स स्टार्ट फ्लोइंग इन। सो एक्सपेक्टिंग एन ईपीएस ऑफ अबाउट 94 FY22 में और अबाउट 119 फॉर FY23। और मेरा जो टारगेट है इस स्टॉक में 1,550। ओके, तो ये है आपके लिए राय HAL में लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की। टारगेट है 1550 का अमरीश सरकार, यहां से 500 रुपए की तेजी है। जय, स्वागत है आपका एक बार फिर से, बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक। श्योर जी, थैंक यू अनिल जी। लॉन्ग टर्म कैटेगरी में जो मैंने स्टॉक चूज किया है वो है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स, MHRIL। ये स्टॉक खरीद कर चलना है जो करीब अभी 258 के आसपास ट्रेड कर रहा है जी। बहुत ही बढ़िया एक एक टेक्निकल स्ट्रक्चर है इसका। इंपॉर्टेंटली ये देखने मिल रहा है कि 2 साल से आप देखो कि ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और 250 के लेवल्स नहीं निकाल पा रहा था अनिल जी। 2 साल के बाद 250 के लेवल्स निकाले ये स्टॉक ने और मल्टीपल रेजिस्टेंस है वहां पे जो निकालने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। इनफैक्ट वो स्टॉक निकल नहीं पाता था और वहां से फिर से एक रिवर्सल हमें देखने मिलता था और एक डाउन ट्रेंड देखने मिलता था, कंसोलिडेशन देखने मिलता था। बट फाइनली जब ये लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट आया है तो एक वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है, दैट इज अ क्लियर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट। इंडिकेटर्स जहां तक मैं देख रहा हूँ उसके लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स मंथली चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर, तो बहुत ही क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर बना हुआ है उसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में। ऑलरेडी एक गोल्डन क्रॉसओवर दे चुका है ये स्टॉक, विच इज वन ऑफ द यू नो पैरामीटर। एक टेक्निकली लॉन्ग स्टॉप लॉन्ग नीचे की तरफ रहेगा 210 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड देखे बहुत ही बेहतरीन है एज फार एज लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर इज कंसर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय महिंद्रा हॉलीडेज लॉन्ग टर्म के लिए। जय की तरफ से 390 का टारगेट है।